दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार, स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत मात्रा में फ्रॉड हो रहा है। जो फ्रॉड करने वाले ये जो लोग हैं वो तरह तरह के रूप में आपके पास आते हैं। जी हाँ दोस्त मैं आज न्यूज पेपर पढ़ रहा था, दैनिक भास्कर मेरे पास न्यूज पेपर आता है, उसको मैं पढ़ रहा था, ठीक है। और दोस्तों एक ऐसा न्यूज मैंने वहां पे देखा, मेरा दिमाग हिल गया, सन्न हो गया पूरा दिमाग। वहां पे जो फ्रॉड हुआ है ना दोस्तों, वो गजब तरह का फ्रॉड है। और मैं चाहता हूं कि इस फ्रॉड के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग भी सावधान रहे, अवेयर रहे। ऑनलाइन फ्रॉड तो भैया आपको पता ही है, लोग करते ही हैं, है ना। अगर वहां पे सावधान आप नहीं रहिएगा तो तरह तरह के जो है लिंक आपके मोबाइल में भेज करके बोलते हैं कि सर आप जो है ये जीत गए हैं, वो जीत गए हैं, मतलब तरह तरह के लोभ लुभावन जो है आपको सपने दिखाते हैं आपको मैसेज के माध्यम से, और बोलते हैं कि सर आप यहां से इतना पैसा ले सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। और हम बेवकूफ लोग ये कर देते हैं, और बाद में क्या होता है, वही जो होना होता है, अकाउंट से पैसा गायब गायब गायब, समझ गए दोस्तों। मैं तो वैसे आप सभी लोग को बता रखा हूं कि किसी तरह के लिंक पे क्लिक कर आप लोग नहीं कीजिएगा जब तक कि कोई वैलिड लिंक आपके पास ना आए। ऐसा ही फालतू का मैसेज में व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है, चाहे वो कितना हो अच्छा ऐप का ही लिंक क्यों ना हो, क्योंकि ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से कीजिए। कोई भी थर्ड पार्टी का लिंक आप लोग कहीं भी आता है कोई भी क्लिक नहीं कीजिए, मैं बता रखा हूं आप सभी लोगों को, क्योंकि वहां पे खतरा हो सकता है दोस्तों। आपका पूरा मोबाइल को हैक किया जा सकता है, और मोबाइल को जब हैक कर लेगा तो मोबाइल का पूरा जो है डाटा रीड करेगा, और रीड करके दोस्तों जाहिर सी बात है वो कुछ भी कर सकता है। और मैंने आपको घटना दुर्घटना बताया भी है, हो चुका है हमारे ही दोस्त के साथ, नीलेश जी के साथ हो चुका है, मैंने बता रखा है आप सभी लोगों को। लेकिन दोस्त आज जो मैं न्यूज पेपर देखा, न्यूज पेपर में जो फ्रॉड हुआ है, गजब तरह का फ्रॉड है भैया, मतलब विश्वास उठ गया है। जी हां, गूगल जैसी कंपनी, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी तरह का कंपनी का है ना सर्च करते हैं, मतलब किसी भी कंपनी का कस्टमर सर्विस नंबर सर्च करते हैं किसी भी कंपनी का, और वहां पे जो नंबर मिलता है आपको, और आप ये समझते हैं कि उस कंपनी का ही ये नंबर है, तो आप गलत फहमी में हैं दोस्तों, क्योंकि वो नंबर एक फ्रॉड का भी हो सकता है, समझ गए। जी हां, न्यूज़पेपर में अभी आपको दिखाता हूं, ये देखिए आपके सामने न्यूज़पेपर आ गया, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है दोस्तों, मैं इसको पिक्चर लिया हूं ताकि आपको दिखा सकूं। आज ही का पेपर है, 18 तारीख आज है दोस्तों, 18 नवंबर 2022, और ये दैनिक भास्कर का पेपर है। पेज नंबर एक पे सबसे नीचे बॉटम में दोस्तों कॉर्नर पे ये न्यूज दिया हुआ है, देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के थोड़ा बहुत बता देता हूं ताकि आप लोग सावधान रहें, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आपको न्यूज में दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में ये जो लाइन हेडलाइन लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, साइबर फ्रॉड की दो खबरें, फ्लाइट का स्टेटस जानने के लिए इंटरनेट से कस्टमर केयर का नंबर लेना पड़ा महंगा, सीएम सचिवालय के आप सचिव। दोस्तों आप सचिव का मतलब होता है इमरजेंसी सेक्रेटरी, आपको मालूम होगा सचिवालय में जो सेक्रेटरी होते हैं उसमें एक इमरजेंसी सेक्रेटरी के पद होता है, जिसमें ये आप सचिव हैं जिन्होंने गूगल से स्पाइस जेट का नंबर लिया, ठगों ने ऐप डाउनलोड करवा के खाते से उड़ाए 2,95,000 रुपया। अब देख लीजिए दोस्तों, मैं बताऊंगा यहाँ पे तो आप हैरान नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूज का जो है मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर में ये न्यूज आया है ना दोस्तों। देखिए मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापित आप सचिव मनोज कुमार सिन्हा, इनका नाम भी दिया हुआ है, के खाते से साइबर अपराधियों ने 1,00,000 की निकासी कर ली है। मनोज एडिसाबाद की ताहिर लेन के रहने वाले हैं, उनका खाता SBI के सिंचाई भवन, दोस्तों यहाँ पे ये पूरा इनका बारे में दिया हुआ है कैसे इनके साथ हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर में एक और दिखाता हूँ, एयरटेल कस्टमर केयर का नंबर लिया, खाते से 1,00,000 गायब, 1,05,000 रुपया गायब, गूगल से एयरटेल कस्टमर केयर का नंबर लेकर वो लेना उत्तरी श्री कृष्णपुरी में रहने वाले अजय कुमार सिन्हा को पड़ा मांगा। अब दोस्तों वो जो कस्टमर केयर है उनसे देखिए क्या बोला था दोस्तों, मैं पढ़ के थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में आए कि किस तरह का ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। देखिए उनका खाता SBI की सिंचाई भवन शाखा में गर्दानीबाग थाने में केस दर्ज किया गया। मनोज सिन्हा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के लिए स्पाइस जेट का टिकट लिया था, फ्लाइट लेट थी
स्टेटस जानने के लिए गूगल पर से स्पाइस जेट के कस्टमर केयर का नंबर तलाश रहे थे। उन्हें जो नंबर मिला उस पर फ़ोन किया। फ़ोन करने वालों ने मनोज कुमार को झांसे में लेते हुए कहा कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, दूसरी फ्लाइट में टिकट बुक करवाने के लिए एक ऐप डाउनलोड कर उस पर पूरी जानकारी देनी होगी। साथी के कहने पर मनोज जी ने अपने मोबाइल से एक क्विक सपोर्ट, ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्विक सपोर्ट ऐप इंस्टॉल कर लिया। ऐप इंस्टॉल करने के कुछ ही देर बाद उनके खाते में से पैसे की निकासी होने लगी। वे जब तक कुछ कर पाते तब तक साथियों ने उनके खाते से 2,95,000 रुपया निकाल लिए। और सेकेंड घटना में दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कस्टमर केयर, एयरटेल कस्टमर केयर का नंबर था, साइबर फ्रॉड का निकला। जो मतलब वो कस्टमर केयर का जो नंबर गूगल से अजय को मिला एयरटेल का, वो साइबर फ्रॉड का निकला। साइबर साथियों ने अजय की ICICI बैंक के खाते से 1,00,000 इतना का जो है रुपया की निकासी कर लिया। अजय का खाता ICICI की केदोईपुरी शाखा में है। उनके लिखित बयान पर बुद्धा कॉलोनी थाने में 3 साइबर साथियों मिराज आलम, सोनू खोसला और रवि कुमार को केस किया गया। पुलिस तीनों के नाम और पते का सत्यापन कर रही है, है ना। क्विक सपोर्ट ऐप इंस्टॉल करवा कर लिया निकासी। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी अवेयर रहें, इस तरीका से आप लोग के साथ भी हो सकता है, है ना। फ्रॉड वाला जो है, फ्रॉड करने वाला आपके साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि गूगल पे जो नंबर आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है भैया, वो हो सकता है फ्रॉड का निकल जाए। इसलिए ध्यान से किसी भी वेबसाइट में जाकर वहाँ से उसका नंबर ले, ऐसे ही डायरेक्ट गूगल से नंबर लीजिएगा तो भैया आप भी खतरा में जो है पड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको बताया ये न्यूज, आप लोगों ने पेपर में देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो अगर दैनिक भास्कर आता है तो देखिए इस पेपर में न्यूज दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी पेपर है दोस्तों, हिंदी पेपर में न्यूज दिया हुआ है, मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया। तो देखिए किस तरह से फ्रॉड हुआ है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, सावधान यही करना चाहूंगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही है आपको सावधान करना। तो सावधान में इतना ही करना चाहूंगा कि अगर किसी भी कस्टमर सर्विस का नंबर, चाहे किसी भी कंपनी का, आपने देखा ना एयरटेल का, यहां तक कि एयरलाइंस जेट का, जो सो देखिए वहां पे कैसा कस्टमर नंबर मिल गया और उसने क्या कर दिया। यानी दोस्तों हमारे जो है जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके साथ ये फ्रॉड हो गया है। और दोस्तों जाहिर सी बात है ये न्यूज आया है तभी मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं फालतू का आपको बता रहा हूं, ठीक है। दैनिक भास्कर में आप देख सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग सावधान रहें, किसी भी तरह कंपनी का अगर गूगल नंबर में आप सर्च कर रहे हैं तो दोस्त हो सकता है वो फ्रॉड वाला नंबर हो। क्योंकि क्या करते हैं ये फ्रॉड जो करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अपना एक सिस्टम बना करके मोबाइल नंबर अपना डाल देते हैं उस कंपनी से रिलेटेड, और उसको रैंक करवा देते हैं, गूगल में रैंक करवा देते हैं। जब भी आप सर्च कीजिएगा सबसे पहले वही आएगा, जो रियल कंपनी है, रियल कंपनी का नंबर नीचे आएगा, इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। मेरे साथ भी हुआ है और मैं बच गया हूं, मैं आपको बता देता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है। प्लीज प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों को बताइए कि भाई इस तरीका से नहीं कीजिए। आप मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह का वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सावधान रहे। दोस्तों मेरे साथ ये क्या हुआ कि कोटक महिंद्रा बैंक का डेबिट कार्ड आने वाला था कुरियर के माध्यम से। एक कुरियर का नाम था दोस्तों, अच्छा कुरियर है, कुरियर कंपनी अच्छा था, आने वाला था, लेट हो रहा था, मतलब जो टाइम दिया गया था उस टाइम में नहीं आया, लेट हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि उस कुरियर कंपनी का कस्टमर सर्विस नंबर लेने के लिए गूगल में सर्च किया, उस कुरियर कंपनी के नाम से नंबर मिला मुझे, मैंने कॉल किया, कॉल रिसीव किया। उन्होंने अब उससे क्या बोले कि सर एक्चुअली क्या है कि आपका जो है पार्सल आपके पास नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आपका लोकेशन का पता नहीं चल रहा है। तो सर अपना लोकेशन को अपडेट करने के लिए आप एनी डेस्क एक ऐप है सर, उसको इंस्टॉल कीजिए और उससे सर मैं आपका लोकेशन लूंगा और आपके जगह पे, आपके एड्रेस पे वो पार्सल पहुंचा दूंगा, ठीक है। लेकिन भैया मैं तो अवेयर रहता हूं ये सब चीजों से। मैंने बोला भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि बैंक से मेरा पहला पार्सल आ रहा है, मेरे पास ऑलरेडी पार्सल आ चुका है, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि लोकेशन पता नहीं चल रहा है। तो उसने बोला कि सर हम लोग नए लोग हैं, है ना, स्टाफ नए हैं तो लोकेशन का पता नहीं चल रहा है। हम बोले कि सुनिए बुड़बक मत समझिए हमको भाई साहब, आप अपना कुरियर में जाइए, वहां से लोकेशन लीजिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वहां पे पहले भी कुरियर आया है तो मेरा लोकेशन होगा, ठीक है ना। क्या समझते हैं आप लोग, मतलब जो है अनपढ़ समझ रहे हैं, मतलब हम लोग जो है फंसने वाले हैं। तो फिर उसने बोला कि क्या बोल रहे हैं भाई साहब, कैसे फंसिएगा। मैंने बोला भाई साहब देखो ये सब जो है ना हथकंडा मत अपनाओ, एनी डेस्क ऐप तुम इंस्टॉल करवा दोगे और क्या करोगे तुम
मेरा जो है स्क्रीन जो है तुम देखोगे, है ना, तुम स्क्रीन देखोगे और मेरा सारा डेटा तुम ले लोगे और उसके बाद मेरा पैसा तुम निकाल लोगे बैंक से। पागल समझते हो क्या तुम? दोस्तों समझ गया कि ये बंदा जो है फंस नहीं पाएगा, तो काफी जो है लंदफन भी मतलब बहुत सारा ऐसा बात हुआ, फिर वो कॉल कट कर दिया। मैंने कॉल किया तो वो मोबाइल ही उसका ऑफ हो गया था। इसका मतलब ये फ्रॉड था, यानी मेरे पास जो नंबर आया उस कुरियर कंपनी का फ्रॉड का नंबर आ गया। इसलिए बोलता हूं दोस्तों सावधान रहिएगा, किसी भी कंपनी का नंबर हो उसकी वेबसाइट में जाके देखिएगा, उसका वेबसाइट खोलिएगा, रियल वेबसाइट, उसमें उसका सपोर्ट का नंबर होगा वहां कीजिएगा। डायरेक्ट नंबर गूगल से मत लीजिएगा क्योंकि वो फ्रॉड का हो सकता है। तो भैया मुझे करना था आपको सावधान, अवेयर करना था, सो मैंने बना दिया वीडियो। अब आपका दिमाग क्या कहता है आप खुद सोचिए, है ना। वीडियो देख के आप लोग ज्ञान लीजिएगा तो बचे रहिएगा, नहीं तो फंसिएगा, ठीक है, क्योंकि फंसाने वाले लोग तो बैठे हुए हैं, समझ गए दोस्त। इसलिए दोस्त प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो भैया आप डिसलाइक कर सकते हैं। लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा ना, बहुत लोगों के पास ये वीडियो जाएगा, लोग जान पाएंगे कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, ठीक है ना भैया। तो प्लीज बचे रहेंगे वो, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ धोखा हो, कोई जो है फंसे, किसी के अकाउंट से पैसा चला जाए। तो प्लीज वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91, जय 5 बिलियन.com, जय।